क्या हुआ? बहुत रो रही हो हैं? कौन हाथ की दर्द दो दर्द बताती हूँ मैं तुम्हें। आ रही हूँ, वहीं बैठे रहना तुम। क्या बकवास है यार। रानिया, इधर आना दरवाजे देखना, ये नॉट क्यों नहीं बंद हो रही? नॉट तो सही से नहीं बांध सकते। अरे तुम्हारे साथ जिंदगी की नॉट बांध ली और क्या चाहिए तुम्हें? सुबह रोमांटिक होने का कुछ टाइम नहीं है। अरे बाप रे, रोमांच के लिए वक्त थोड़ी देखा जाता है, ये तो किसी भी वक्त किया जा सकता है। मम्मा और कितना टाइम लगेगा? कहीं और भी तो वक्त है ना। आ रही हूँ। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस निकल रहा था ऑफिस के लिए। नहीं आज तो कोई मीटिंग नहीं है। अच्छा आप नहीं आएंगे? चलिए ठीक है, मैं आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रानिया चाय दे दो, मुझे देर हो रही है। बाबा आगे आगे आगे, बस तैयार हो गए। आप बस चलो टेबल पे। बाबा टेबल पर मत चलना, टेबल टूट जाएगा। अच्छा आपको पता है फादर सरप्राइज कर दिया मुझे आज, बड़ा हो गया ये, यूनिफॉर्म खुद पहनकर आ गया। अरे यार पुत्र किसका है ये? तुम्हें पता है मैं भी अम्मा को बड़े सरप्राइजेस दिया करता था, खुद ही तैयार होता था, खुद ही नाश्ता करता था और साइकिल पकड़ के स्कूल निकल जाया करता था। अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे चाय दे दो, मुझे देर हो रही है। अच्छा, मैं नाश्ता लगाती। अरे यार क्या करती? अरे यूनिफॉर्म पहनना सीखा है तो फिर लेसेस भी तो बांधना सीखो ना यार। बाबा वो लेसेस सही नहीं बनते मुझे। मैं सिखाता हूँ, ये देखो इसको यूं पकड़ा और इसको यूं, हाँ, और फिर यूं करके ये नॉट लगा दे। बाबा आप ये नॉट लगा लेते हैं तो टाई के नॉट क्यों नहीं लगा लेते? अरे वो ऐसा है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम्हारी मामा मेरी टाई की नॉट लगाते हैं। और ज्यादा बातें मत किया करो, चलो आमिर अब आ भी जाए, चाय ठंडी हो जाएगी। आगे आगे बस चल। पापा मेरे लिए जूस डाल दो। ओके। कब तक आ जाएंगे? यार बस जैसे ही मीटिंग खत्म होती है मैं आ जाऊंगा। मैंने कहाँ जाना होता है, दफ्तर और फिर आपके कदमों में। से वक्त निकाला करो शायदा, एक के बाद तो एक काम निकल आता है। थकन तो हो जाती है लेकिन शफात का मुस्कुराता चेहरा और आमिर की मोहब्बत भरी आंखें देखती हूँ ना तो सारी थकन दूर हो जाती है। तुम क्या कर रही थी? अच्छा एक सेकेंड, मुझे लगता मासी आ गई, मैं तुमसे बात करती हूँ। हाँ बाबा प्रॉमिस करूंगी। अच्छा ओके बाय बाय। बाय।
इसे क्या हुआ? मैडम जी कितनी दफा इसे समझाया कि अपनी सीट पे बैठा करो, पर ये है कि किसी की सुनता ही नहीं है। क्या मतलब मैं नहीं सुनता? आराम से गाड़ी चलानी थी ना, ऐसे कैसे लग गई? मैडम मैं तो देख के गाड़ी चला रहा था, और भी तो बच्चे थे ना वैन में, उनको तो चोट नहीं लगी। अगर ये सुन लेता सीट पर बैठते उसको चोट ना लगती। खून निकल रहा है मेरे बच्चे का, अंदर चलो तो देख लूंगी मैं। मम्मा पापा को बुलाएं, पापा को बुलाएं, मम्मा मम्मा पापा पापा को बुलाएं। हेलो हेलो, मेरे हाथ को बहुत बुरी चोट लग गई, सर से बहुत खून निकल रहा है उसके। नहीं कैसे हुआ ये? पता नहीं कहाँ सर ठक रहा है इसका। आपको कहती हूँ कि उसको स्कूल बस में ना भेजा गया, लेकिन आप मेरी कहाँ सुनते हैं? जाते हैं तो ड्रॉप कर दिया करें इसे। अरे अभी वक्त नहीं है इन बातों का यार, तुम ये बताओ कि जख्म कितना गहरा है? मम्मा पापा को बुलाएं, मम्मा दर्द हो रहा है मैम, मम्मा पापा को बुलाएं, लगे स्टिचेस भी आएंगे। अच्छा एक काम करो, बस इसके जख्म को ना जरा दबा के रखो ताकि खून ना बहे ज्यादा। मैं आता हूँ। वही कर रही हूँ, तुम पहुँचो घर। अरे आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। तुम्हें पता है इस वक्त ट्रैफिक का कितना रश होता है। आ रहा हूँ। जी मेरी जान जी, बस बस पापा आ गए, बस अभी अभी पापा आ गए। इधर देखो कैमरे लगे, मेरे जब सब ठीक हो जाएगा। अरे कह रहा हूँ ना, क्या आ रहा हूँ। आप क्या जान लोगे मेरी? कौन? ओह नहीं पहचाना, वही तो कह रही हूँ, बगैर बोले कैसे पहचानोगे तुम? कौन है तुम भाई? याद करो, बूझो कौन हूँ मैं। देखिए अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है बात करने का, बाद में बात करेंगे। But it is a very good time for me. महीनों बाद तुमसे बात हो रही है, तुमसे मिल रही हूँ। देखिए मैं इस वक्त ऑफिस जा रहा हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ। It's okay. Take your time. Just for your information, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जल्दी आ जाओ, अब वेट नहीं हो रहा मुझसे। और वैसे भी अब क्या जान लोगे मेरी? सुमैरा, सुमैरा, सुमैरा। ये कहाँ से मिली? ये पायल मेरी गाड़ी में गिरा दी थी आपने। इसका मतलब है कि कुदरत भी शायद यही चाहती है कि आप मेरे साथ थोड़ा और वक्त गुजारें। खैर मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन कुदरत ये जरूर चाहती है कि आपकी ये पायल कहीं गुम ना हो जाए। आप क्या जान लोगे मेरी? आप इधर आ गए तो मेरे साथ कॉफी पी लें प्लीज। थैंक यू आमिर। प्लीज हटो सुमैरा। क्या हो गया? जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। क्या हो गया? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो, इसमें गलत क्या है?
मेरी बीवी है, मेरा एक बच्चा है। तो वो कहाँ से बीच में आ गए? That is your personal life. They've got nothing to do with us. और तुम यहाँ पे बैठ के उनके बारे में सोच रहे हो? This is cheating, Sumaira. धोखा दे रहा मैं उसको। वहाँ पे धोखा कैसे हो सकती है आमिर? क्या एक इंसान एक वक्त में दो लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकता? कितना तड़प कर मिले थे मुझे, जैसे सदियों से मेरा इंतजार कर रहे हो। क्या ऐसा नहीं था? हैरत होती है मुझे तुम्हारी सोच पर। कहाँ जा रहे हो? होटल जा रहा हूँ, पैकिंग करनी है, मेरी सुबह फ्लाइट है। तो फिर मिलोगे ना मुझसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो वक्ती मोहब्बत थी। I don't love you. I'm not at all in love with you. पर मैंने तो तुम्हारी बातों पे यकीन करके तुमसे प्यार करने लगी हूँ ना। देखो सुमैरा, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ, भूल जाओ कि हम कभी मिले थे, प्लीज। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाओ। आमिर, मैं कराची भी आ सकती हूँ। आमिर, you said you love me. आमिर, करे आप आगे फरिश्ता बनकर रहेंगे। फरिश्ता मीन्स एंजल, ये मम्मा ने मुझे बताया। हाँ बेटा, इसका वही मतलब है। हाँ, मेरी डॉक्टर सुमैर है, बराबर में कमर भाई की तरफ आई थी, वो लोग नहीं मिले तो हमारे घर की बेल बजा दी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बेटा आपका। थैंक यू। आमिर ये डॉक्टर है, दाने कैसे वक्त हमारे घर भेज गया है। और बैंडेज देखें कितनी अच्छी बांधी, स्टिचेस की जरूरत ही नहीं पड़ी। और डॉक्टर बता रहे हैं कि जख्म भी ज़्यादा गहरा नहीं है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। The pleasure is all mine. क्यों आई हो यहाँ मेरे घर में? क्या मतलब क्यों आई हो? तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें छूने आई हूँ, तुम्हें महसूस करने आई हूँ। आमिर, आप डॉक्टर समेरा को नहीं जानते, लाहौर से आएंगे ये। सर, मैं आमिर फार्मास्यूटिकल कंपनी में होते हैं तो मुस्तसिल इनका डॉक्टर से मिलना होता रहता है। अगर आप कराची में प्रैक्टिस करती तो ज़रूर आपको जानते होते। इट्स ओके, नहीं जानते तो आप जान लेंगे। मैं सर अपने हाथ वॉश करके आती हूँ। क्यों आई हो यहाँ मेरे घर में? क्या मतलब क्यों आई हो? तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें छूने आई हूँ, तुम्हें महसूस करने आई। मत करो ऐसा, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें मैं। वरना क्या करोगे? जान दोगे मेरी, वो तो तुम पहले ही ले चुके हो। मेरा घर खराब हो जाएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। कैसे खराब होगा घर, बताओ ना।
कैसे खराब होगा? दुनिया में कितने सारे मर्द हैं जो दो दो शादियां करते हैं, दोनों को एक जैसा वक्त देते हैं, दोनों के साथ इंसाफ करते हैं। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे भी तुमसे वक्त चाहिए। वक्त चाहिए ना तुम्हें तो मेरे घर आ जाया करो, मेरे और मेरी बीवी के साथ बैठ के खाना खाया करो, हंसा करो, मूवी देखा करो, घर चली जाया करो। लेकिन तुम्हारा आधा वक्त तो मेरा होना चाहिए ना, जिस पर सिर्फ मेरा हक होगा। ऐसा कोई वक्त नहीं है मेरे पास जो मैं तुम्हें दे सकूं। सुना तुमने? आप यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। अच्छा अमर साहब, मैं चलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हो? मैं आपकी चाय बनाती हूँ ना। नहीं नहीं, चाय फिर कभी सही, कमर साहब भी आके होंगे, मुझे जाना चाहिए। वो बिजली का बिल दे दो मुझे, मैं ऑफिस में किसी लड़के को कह दूंगा। मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। ये क्या? डॉक्टर मेरा अपनी पायल भूल गई। अरे यार फेंको इसको बाहर, अब थोड़ी आएगी दोबारा वो पायल लेने के लिए। क्यों, क्या पता कितनी खास है उसके लिए, शायद वो आ भी जाए, मैं संभाल लेती हूँ। क्या बात करनी है तुम्हें? और ये बार बार मुझे ऑफिस क्यों फोन कर रही हो? क्यों तंग कर रही हो मुझे? तंग कर रही हूँ? मैंने सोचा था कि तुम मुझे इतनी देर बाद यहाँ पे मिलके खुश होगे, मेरा हाथ थामोगे, मुझे कहोगे कि तुमने मुझे मिस किया, अपने घर लेके जाओगे, अपनी बीवी बच्चों से मिलवाओगे, उनको बताओगे कि इस पागल हो तुम। तुम क्या समझती हो कि ये सब कुछ मैं जाके अपनी बीवी से कहूंगा? मैं किस खुश फैमिली में गिरफ्तार हूं तुम? इसे खुशफहमी में कि एक दिन मेरी मोहब्बत तुम्हें जीत लेगी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा गुरूर मेरी मोहब्बत के आगे हार जाएगी। Now listen, I'll be very straight. मेरी एक फैमिली है, एक जिंदगी है, और उसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं। जिंदगी में जगह नहीं है तो मेरे दिल में जगह क्यों बनाई थी? एक सेमिनार अटेंड करने आया था ना इस्लामाबाद, तुम वो अटेंड करके घर चले जाती, मेरी पायल वापस करने मेरे गेस्ट हाउस आने की क्या जरूरत थी? कॉफी की जिद तुमने की थी। तो उस कॉफी को तुमने जानबूझकर अपने ऊपर गिराया था, क्योंकि तुम भी मेरे साथ वक्त गुजारने के बहाने ढूंढ रहे थे, और उस वक्त सिर्फ मैं इन्वॉल्व नहीं थी तुम्हारे अंदर, तुम भी इन्वॉल्व थे, और वैसे भी तुम भी मेरे उतना ही करीब आना चाहते थे। अरे हो गई गलती, माफी मांग ली थी मैंने तुमसे, अब क्या उस एक गलती के लिए सारी जिंदगी सजा भुगतूंगा मैं? तो इसमें बुराई क्या है? प्रॉमिस आमिर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा हमारे रिश्ते के बारे में, तुम्हारे घर वालों तक कोई बात नहीं जाएगी, सब कुछ बहुत सीक्रेटिव रहेगा, तुम प्लीज मुझसे शादी करो। अरे प्लीज, ये ड्रामेबाजी मत करो। देखो हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो कम से कम मोहब्बत नहीं थी, और अगर तुम्हें उसकी वजह से कोई गलतफहमी हुई है तो उसकी मैं तुमसे माफी मांग लेता हूँ, पर मैं तुम्हें हरगिज अपना घर तबाह नहीं करने दूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर रोक सकते तो रोक लेना, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं रहने दूंगा। आउट, आउट, आउट। तो बुखार है, मैं आपके सामने ठंडी पट्टियां रखती हूँ। नहीं मां प्लीज।
कैसे नहीं बेटा, बुखार कैसे उतरेगा आपका? अभी आपके सर पापा भी आ गए। ओहो, ये बुखार तो तेज है सर। 102 है। कहाँ थे आप? कब से कॉल्स भी करी थी, आपने एक भी कॉल नहीं उठाई। इवन आप ऑफिस में भी नहीं थे। हाँ, बस वो एक मीटिंग थी क्लाइंट के साथ, बेल ऑफ की भी थी। अच्छा, आप यहाँ आके बैठ जाए, मैं आपकी रोटी लगाती हूँ। नहीं, बैठी रहो, खाना नहीं खाना। क्या हुआ है, परेशान लग रहे हैं आप? नहीं, मैं तो बस इसकी वजह से परेशान। कहीं सर पे चोट लगने की वजह से तो बुखार नहीं हुआ? पता नहीं, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है यार। तो आप कॉल करें ना, इतने सारे डॉक्टर्स तो हैं आपके जानने वाले, क्या फायदा इसी कंपनी में काम करने का। मैं ठंडी पट्टियां ही ले आती हूँ इसके लिए। मम्मा, एंजेल आंटी भी डॉक्टर है ना, उनसे पूछे ना। हाँ, कॉल करें ना आप किसी को। हमारे बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम दोनों मिलकर ये राज संभाल लेंगे। और मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मजबूर हो इसलिए उसके साथ रहो, वरना दिल से तुम भी मेरे पास रहना चाहते हो। तो प्लीज मुझे अपना लो। बाबा को छोड़कर मत जाना प्लीज। बहुत 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 फोन था। नहीं यार, बस वो क्लाइंट का फोन था। क्या टाइम हो रहा है, आप ऑफिस नहीं गए अभी तक? जाता हूँ। इसको तो अभी भी बहुत तेज बुखार है, सोच रहा हूँ फिर छुट्टी कर लेता हूँ, आज इसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। लोग 11 बज गए। आप तो लगता है अभी जागी हैं। अरे कोई बात नहीं, आप आइए। वो दरअसल मैं अपनी पायल यहाँ पे भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। बट आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, बस फहद को बुखार था तो हम उसी में लगे हुए थे। ओह, आप आगे बैठिए। नहीं, मैं बाद में आ जाती हूँ। आज आपको चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी, फिर ही आपको पायल मिलेगी। आइए।
फिर आ गई यहाँ पे। वो आना तो था मुझे, अपनी पायल भूल गई थी यहाँ पे, इस बार तुमने मुझे वापस भी नहीं किया। क्योंकि आप, मैं जान गया हूँ तुम जानबूझ के पायल गिराती हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए रहम नहीं आता। बस कर दो, खुदा का वास्ता चली जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ, कहीं और दिल भी तो नहीं लगता तुम्हारे बगैर। अगर तुमने मुझे दूर ही जाना था तो तुम मेरे इतना करीब क्यों आए? उस एक हफ्ते में एक सदी गुजारती मेरे साथ, अब कह रहे हो कि मैं दूर चली जाऊं? खुदा के लिए मुझे खुद से दूर मत करो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। आप हमारे बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम दोनों मिलकर यह राज संभाल लेंगे। और मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मजबूर हो इसलिए उसके साथ रहो, वरना दिल से तुम भी मेरे पास रहना चाहते हो, तो प्लीज मुझे अपना। ऐसा कुछ नहीं है, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। आप इस औरत को पहले से जानते थे? हाँ, वो मैं तो बस जानता था, मगर जानते तो बताया क्यों नहीं? बस मिल कह सकूं तुम्हें, कर दिया मेरा घर पर बात। देखें आप, आमिर को मत डांटे, इस पर उनकी कोई गलती नहीं है। तुम आमिर की वकालत करोगी? हाँ, मैं तो बस निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। हाँ, मैंने कहा निकलो मेरे घर से, जाओ निकलो यहां से। अच्छा किया तुमने, ये यही डिजर्व करते हैं। तुमने जानते हो इसने मेरी जिंदगी अजाब बना दी थी, मैं कसम खा के कहता हूँ। रानिया, रानिया मेरी बात सुनो, देखो रानिया एक मिनट, मैं I can explain। रानिया मेरी एक मरतबा बात सुन लो, खुदा का वास्ता तुम्हें। रानिया, रानिया मम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? उठो बेटा, उठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जा रहे, लेकिन यहाँ नहीं रहे। उठो, चलो बेटा। क्या करी, कहाँ जा रही हो तुम, क्यों कर रही हो ऐसा? दिल जाएगा वहां जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अरे कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो, मेरी बात तो सुनो। वो औरत जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई थी, मैं तो खुद जान छुड़ाना चाहता था उससे। जान छुड़ाना चाहते थे तो बताया क्यों नहीं मुझे? क्यों उसके साथ अनजान बंदे की एक्टिंग कर रहे थे? बाबा वो इसलिए कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। झूठ पे झूठा, मुझे कोई बात तुम्हारी नहीं सुननी है, बस हटो यहां। नहीं जाने दूंगा मैं यहां से तुम्हें। क्या हुआ है बाबा? अरे कुछ नहीं हुआ यार, बस बाबा से एक छोटी सी गलती हो गई और मामा माफ नहीं कर रहे हैं। माफी? लेकिन आप तो चीख रहे हैं। अरे यार कभी कभी सामने वाले को मनाने के लिए थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ जाता है ना, तो मामा से कहो ना कि घर छोड़ के ना जाएं वरना बाबा मर जाएंगे। मामा बाबा को छोड़कर मत जाएं, बाबा मर जाएंगे प्लीज। बेटा तुम्हारे बाबा ने मुझसे और तुमसे झूठ बोला, धोखा दिया हमें। अरे क्या धोखा दिया मैंने तुम्हें? मेरे से गलती हो गई है, माफी मांग रहा हूँ तुमसे। कोई और सजा देना चाहती हूँ वो दे दो, लेकिन इस तरह घर छोड़ के तो मत जा। कुछ गलतियों की सजा नहीं होती, कुछ गुनाहों का कफारा नहीं होता, पर अगर है भी ना तो फिर भी एक बार यहाँ नहीं रुकूंगी। प्लीज मामा, बाबा को छोड़कर मत जाना प्लीज। बहुत 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 प्लीज को नहीं, बहुत बहुत आगे को ना प्लीज, आउट क्यों होने की चले। बहुत अच्छा।
अच्छा क्या हुआ इन्हें? सिर्फ बुखार है। आप प्लीज जरा बाहर बैठ रहे दोनों, यहाँ इजाजत नहीं है ठीक। लेकिन मैं इसकी मदर हूँ मैं। डोंट वेरी, ही इज इन सेफ हैंड्स प्लीज। डॉक्टर नासिर को बताया आपने? जी सर, पेशेंट को वेंट पे डालने गए। तो आप इसका टेम्परेचर चेक करें और इसकी माँ को बुलाएं ताकि पता तो चले कि इसको हुआ क्या है। ठीक है, मैं जानती हूँ इससे क्या हुआ है। अरे डॉक्टर सुमेरा, आप बिलाल, ये डॉक्टर नासिर की कज़न है, लाहौर से आई है। वो नासिर बिजी हैं, मैं देख लेती हूँ उसे। आप जानती हैं पेशेंट को? जी। फाहद बेटा, माम बाबा यहीं हैं, आप हॉस्पिटल में हो। रिलैक्स बेटा, मैं वही हूँ जिन्होंने आपकी पट्टी दी थी, रिमेम्बर दैट आंटी? मैं जानता हूँ आप एंजल आंटी हैं। डॉक्टर, इसके सर के नीचे आइस पैक रखते हैं और आप मुझे दो फैल्कन इंजेक्शन लाते हैं। ठीक ठीक। एंजल आंटी, मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना। अरे एंजल आंटी प्रॉमिस कर रही हैं कि आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगी। ओके, बी अ ब्रेव बॉय नाउ। देखो, मुझे मालूम है मुझसे गलती हो गई है, एक मर्तबा माफ कर दो। मैंने जानबूझ के नहीं किया ये, बस मालूम नहीं जाने में कैसे हो गया मुझसे, लेकिन मैं कसम खाता हूँ आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। I promise. अगर ये गलती मुझसे होती तो बर्दाश्त करते? प्रॉमिस करें मम्मा, अब आप और पापा नहीं लड़ेंगे। अरे हम प्रॉमिस करते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, बस Happy? लड़ेंगे तो तब ना जब साथ रहेंगे। देखा, आपने मेरी बात मान ली, इंजेक्शन लगवा लिया और देखो सब ठीक हो गया। जी एंजल आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। बेटे क्यों रो रहे हो आप? अब तो सब ठीक हो गया है। फाहद प्लीज बस करो, देखो मुझसे रोते हुए बच्चे देखे नहीं जाते। अंजल आंटी, आपने जिस तरह मुझे ठीक किया इसी तरह मम्मा पापा को भी ठीक करें, उन्होंने आज लड़ाई की है। जिनके मम्मा पापा लड़ते हैं वो यतीम होते हैं। मेरा फ्रेंड है ना स्कूल में, वो कहता है वो यतीम है। एंजल आंटी, मुझे यतीम होने से पूछा है ना, प्लीज। आपके हाथ पे क्या हुआ?
हाँ जलाया है मैंने इसका हाथ, तंग आ गई सौतन की बेटी से। जब इसकी माँ को तलाक दी थी तो उसको भी छोड़कर आते, मेरे सर पे लेकर आ गए। निकालो इस आफत को घर से। तैमूर अभी के अभी मैं तुम्हारा घर छोड़ के चले जाऊंगी, ये कोई तरीका नहीं होता है। प्रॉमिस करें मम्मा, अब आप और पापा नहीं लड़ेंगे। अरे हम प्रॉमिस करते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, बस हैप्पी। लड़ेंगे तो अपने जब साथ रहेंगे। नहीं, कम से कम इसके सामने तो ऐसी बातें मत करो। चलो फहद उठो। मम्मा प्लीज, हमें नानों के पास जाना है। रानिया, रानिया मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनो, मेरी बात तो सुनो, हम बैठ के बात कर लेते हैं। रानिया सुनो, रानिया, रानिया मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। रानिया सुनो, लग जाएगी चोट आपको। फहद, फहद देख के। पापा, अभी आपकी तबीयत ठीक हुई है। फहद, पापा थैंक यू वेरी मच। किसी खुशफहमी में मत रहना, वैसे मजबूर हो गई थी, सिर्फ इसलिए वक्ती तौर पर आ गई। बहुत रो रहा था फहद गाड़ी में। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें ये पायल, और ये पायल वाली भी। हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा, मैं किसी भी वक्त यहां से चली जाऊंगी। क्यों कर रही हो इतना जुल्म मुझ पर? मत करो। तुम्हें कहां सजा मिलनी, तुम्हारी सजा वो पीछे पीछे आ रही है। एंजल आंटी, अब क्यों आई हो यहाँ?
एंजल आंटी को मत डांटो पापा, इन्होंने आज मुझे हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाया, ठीक किया। ये सही कह रहा है, मैंने इसे जिस्मानी तौर पर ठीक किया है, लेकिन इसने मेरी रूह को झंझोड़ कर मुझे ज़हनी तौर पर ठीक कर दिया। आप दोनों मुझे इस तरह मत देखें, मैं सच कह रही हूँ, मेरी परवरिश मेरी माँ ने नहीं, मेरी सौतेली माँ ने की थी, शायद इसी वजह से मैं इतनी बिगड़ी हुई थी, लेकिन मैं फाहद की परवरिश किसी सौतेली माँ से नहीं होने दूंगी। आमिर तो मेरी किस्मत में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से किस्मत की लकीरें ही मिट चुकी हैं। मैं खामखा तुम्हें तंग कर रही थी, मैं तुम्हारे और रानिया के बीच में कभी नहीं आऊंगी। मैं हमेशा के लिए जा रही हूं, मुझे मालूम है कि आप मुझे माफ नहीं कर सकते, लेकिन प्लीज अपने बेटे के लिए आमिर को माफ कर दीजिएगा। एंजल आंटी आप कहाँ जा रही हैं? एंजल मैं नहीं, एंजल आप हो, एंड यू मस्ट नो दिस। पापा, आज आप दोनों ने मेरे गाल पे एक साथ किस नहीं किया। तुम्हें मैं फात को नहीं खोना चाहता, मैं कोशिश करूंगी कि फात की खातिर भूल जाऊं, लेकिन तुम्हें पता है कि वक्त लगता है, बहुत मुश्किल। Kalın, kalın.